सो हेलो गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। हेयर आई एम कनक एंड आई होप दैट यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। सो इफ़ यू आर न्यू टू माई यूट्यूब चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड बेसिकली दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्टिव मॉर्निंग स्टडी रूटीन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मॉर्निंग का व्यू मैं आपको दिखा देती हूँ। सनी सनी हो रहा था, काफ़ी अच्छा मौसम था, बट गर्मी तो हो ही रही है, समर आ गया है तो ऑफकोर्स गर्मी हो गई। सो मैंने वेदर चेकआउट करने के बाद मैं बैठी पढ़ने को। तो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेरे को बैच परचेज करना है, मेरी नीट 2025 के लिए, बट बैच की जो फैकल्टीज़ हैं अब रिवील्ड हो गई हैं, मुझे पता चल गया है कौन कौन पढ़ाने वाला है उस बैच में। बट मैं कंफ्यूज इसलिए हूँ क्योंकि मेरे को वो फैकल्टीज़ पसंद ही नहीं है, तो थोड़ा बहुत इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है मुझे कि मैं परचेज़ करूं या नहीं करूं, या फिर मैं जो उसका सेकंड वर्जन आएगा उसके लिए वेट करूं। बट अगर मैं सोच रही हूँ, अगर मैं वेट करूंगी, बाय चांस मेरे को सेकंड वाला वर्जन के भी फैकल्टीज़ पसंद नहीं आए, सो मैं क्या करूंगी, मेरा टाइम भी वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि बैच परचेज़ कर ही लेती हूँ। तो अब जब जिस दिन मैं बैच परचेज़ करूँगी, आप लोगों को मैं पूरा अपडेट कर दूँगी और कौन सा बैच परचेज़ करनी हूँ वो भी आपको बताऊँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में वो सब मैं आपको क्लियर कर दूँगी। तो तब तक, तो जब तक मैंने अभी बैच परचेज़ नहीं किया है, तब तक मैं अपनी यूट्यूब से ही स्टडी पूरी कर रही हूँ, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम, बिकॉज मैंने ये साल का ड्रॉप भी लिया है। अब बार बार कि इस बार न्यू फैकल्टीज़ अच्छी नहीं लग रही हैं, अगली बार करेंगे, नो आई डोंट वांट दैट। मैं कर भी नहीं सकती हूँ ये, बिना फालतू में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो अभी भी मैं अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर रही हूँ, तो इसलिए मैं यूट्यूब से अपने प्रॉपर लेक्चर ले रही हूँ। कोई भी दिन मैं अपना वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं यूट्यूब से अपनी अभी कंटिन्यू कर रही हूँ स्टडी, जो भी मुझसे कुछ हो रहा है। तो ये मैं अभी कर रही हूँ लिविंग वर्ल्ड, ये क्लास 11th का बायोलॉजी का चैप्टर है। तो ये मैंने 75 हार्ड सीरीज़ है जो अनएकेडमी पे चल रही है, बहुत टाइम से चल रही है, तब तो मेरे 12th चल रहे थे तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो ये सीप मैम है, तो इन बायोलॉजी का बहुत ही अच्छे से समझाती है, मेरे तो इनसे पढ़ने के बाद सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो 11th में भी मैंने इनसे पढ़ा है थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में, सीप मैम से और रितु रट्टेवाल मैम से, तो मेरे को अच्छा लगता है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। सो अभी तो मैं कर रही हूँ यही लिविंग वर्ल्ड, सो एंजॉय द टाइम लैप्स। देखो, मैंने ये पूरा लेक्चर लिया है, मैंने एक भी इसमें ब्रेक नहीं लिया है, 5 मिनट का भी ब्रेक मैंने नहीं लिया है, मैंने पूरा लेक्चर एक ही बार में कंप्लीट किया। हाँ ऐसा है, मैंने कुछ पार्ट स्किप किए हैं, वो क्यों किए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखो मैम ने बहुत जगह पे थोड़े थोड़े मोटिवेशन होते हैं ना, तो मैम देती रहती हैं, बट स्टार्टिंग में तो स्टूडेंट के पास काफ़ी मोटिवेशन होता है, वो चाहे तो 50 लोगों को मोटिवेट कर सकता है, बट लास्ट तक आते आते हमारे पास तो
मोटिवेशन रहता ही नहीं है। सो अभी तो मेरे पास बहुत सारा मोटिवेशन है, तो इसलिए मैंने वो पार्ट स्किप कर दिया है। बट अगर आप सुनना चाहो तो आप वो सुन सकते हो। और मैं मतलब ये देख रही हूँ 2x की स्पीड पे मैंने अपना पूरा लेक्चर फिनिश किया है, और मैंने उसके प्रॉपर नोट्स बनाए हैं। ये नहीं है कि मैं मतलब मैंने सिर्फ ऐसे ही गो थ्रू कर लिया है, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए, उसके बाद मैं नोट्स को रिवाइज़ वगैरह कर लूँगी, तो मेरा ऐसे करके मैं पूरा अपना चैप्टर कंप्लीट कर रही हूँ। गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप यू लाइक एंड एंजॉइंग माई सच टाइप ऑफ स्टडी रिलेटेड वीडियोज़। एंड देन मेरा लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है। पूरे में ये 2 hours का लेक्चर था जो कि मैंने पूरा कंप्लीट लिया है। बस मैंने मोटिवेशन वाला पार्ट था वही स्किप किया है। सो गाइज इफ़ यू आर न्यू टू माई यूट्यूब चैनल डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू माई वीडियोज सो प्लीज़ कमेंट डाउन। Okay, bye bye guys. Stay tuned for next video.